स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बीना मंडी और हम आपको दिखाएंगे आज सोयाबीन की मंडी में कैसे बोली लगती है और मंडी का पूरा नज़ारा दिखाएंगे ए टू जेड। और बीना के लिए हम निकल चुके हैं आधे रास्ते में हैं और ये हमारी नई वाली ट्राली और यहाँ सवैये बैठे हैं, तो फिर चलो चलते हैं और फिर बताते हैं बीना चल के। अरे बोलो तो सही, अरे फोटो नहीं बना। अभी लगभग 5 साल से ऊपर इसका काम होते होते हो गया है, इंडिया का काम है इसलिए इतना टाइम लग रहा है और कई कंट्री होती 2 साल में कंप्लीट हो जाता, सब सहना पड़ता है। इंडिया भाई इंडिया, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ये ट्रेन जा रही है ऊपर से, अब हम जाएंगे ट्रेन के नीचे, क्या ही मौका है। इधर जुड़ा ही नहीं है अभी, देख सकते हैं काम लगा हुआ है। काम हो रहा है इसलिए इस तरफ से रास्ता बंद कर दिया है, इस तरफ से रास्ता देख सकते हैं आप, देख सकते हैं काम लगा हुआ, देख सकते हैं यह रेली है किसी चीज़ की।
देखा एक ब्रिज का काम इधर भी लगा हुआ है, यानी पूरा बीना नीचे होने वाला है और ब्रिज पूरा ऊपर होने वाले हैं, रास्ते ऊपर चले जाएंगे पूरे। देख सकते हैं गाइस, मंडी के एंट्रेंस पॉइंट में आ गए हैं अपन, और देखते हैं अपन को नंबर किधर मिलता है। लाइन तो काफ़ी लगी हुई है, लेट भी हो गए हैं अपन आने में। खाली है शायद ज़्यादा मंडी, मंडी को ऑफ सीजन चल रहा है, नहीं ये पूरी मंडी फुल रहती है। देख सकते हैं गाइस, ये हैं गेहूँ की ट्रालियाँ लगी हुई हैं, यहाँ गेहूँ की अकेली लगी हुई है, गेहूँ का माए है, जो चना मसूर और देवड़ा जो है, ये लाइन देख रही है आपको ऐसे ऐसे खींच के ये आई है यहाँ तक, और वहाँ लास्ट में अपनी लगेगी। चलो चलते हैं फिर, तो ट्रैक्टर अपने लगा दिया है, लगभग अपनी मंडी 2 बजे से पहले तो मुश्किल है, हो भी जाना चाहिए, नहीं भी हो सकती। और भी आपको अब जैसे ही डांक शुरू होगी तो मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा कैसे डांक होती है। ठीक है, चलते हैं फिर, डांक का इंतज़ार करते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये लगे हुए हैं चारों तरफ ट्रैक्टर, और अपना ट्रैक्टर वो खड़ा हुआ है, फ्रेश दिख रहा है, और ये अपने आने के बाद ये देखो कितनी लाइन बढ़ गई है, था तो पूरी लाइन फुल हो गई है, देख सकते हैं आप, यानी चारों तरफ ट्रैक्टर हैं। ये मेन गेट है आने के लिए, देख सकते हैं बोली गेहूँ की शुरू हो गई है। चलो तुम तो, हम यही चाह रहे थे कि 2700 के बाद चालू हुए, जब लोग 2500 5 10 11 15 16 20 21 25 26 31 35 36 देख सकते हैं गाइस, ऐसे पहले पर्ची बन जाती है और नाम और क्वांटिटी लिख देते हैं, बाद में जब बोली लगती है तो उसका प्राइस लिख के दे देते हैं। फैक्ट्री चल रही है, 2500 बोल रहे ठीक है, 2500 एक दो लगभग जी है, 2500 बोलो, 2570 26 77 78 79 80 85 86 87 99 99 97 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
50
मामा हमारे उज्जैन वाले देखो तो कश्मीर पीछे बोलू के लफड़ा हो जाएगा तुम बोलो काय बना रहे। अरे बोलो तो सही, नहीं बने फोटो नहीं बनाते। अरे फोटो नहीं बनाते तलाश। अपना ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हुई है, सोयाबीन भर्ती हो रही है, ये अपने बच्चे दादा खड़े हैं। होगा सही सिलसिला चल। अभी नहीं झड़बाओ झड़बाओ वो तो हम कर पाते अरे साहब तो करवा लें दो भाई साहब। हाँ तो दे रहे हैं पर्ची थोड़ी भागे जा रहे हैं। समेट का पूरा करो, बीसी कर दो उसको। आप झाड़े तुम जो झाड़ कर भरवा देंगे आप बुरा गेंद की चढ़वा लीजिए। अब हम घर के लिए वापस जाते हुए और
आप शाम का रेशो देख रहे हैं किस कदर ट्रैफिक है, और बहुत ही ट्रैफिक है। देख सकते हैं ये डिलीवरी बॉय, हैवी ट्रैफिक में हैं अपन। हैवी ट्रैफिक है भाई, देख सकते हैं। रास्ता में ही तो खड़े हैं, देख सकते हैं बीना का व्यू, मेन मार्केट है ये, अच्छा खासा व्यू है। मंडी से लौटते हुए हैं, देख सकते हैं काफ़ी हैवी रश है यहाँ पर, और आगे जाके अभी और भी होने वाला है, क्योंकि आगे एक साइड पर काम चल रहा है और आने जाने वाले दोनों एक ही साइड से जा रहे हैं। देख सकते हैं ये पॉपलाइन चल रही है और ये आके यहाँ पर मामला जाम होता हुआ, अपन हैवी ट्रैफिक के बीच में फंस चुके हैं, देख सकते हैं। जेल से छूटे देख सकते हैं आप, काफी रश है बीना के अंदर। ये हमारे इलाके का बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है बीना, काफी औसम है यहाँ का मार्केट, देख सकते हैं आप। पार्किंग की बहुत व्यवस्था कम है यहाँ पर, शाम को तो ये मान लो ट्रैफिक सा ही रहता है पूरे। काफ़ी रेशो है यहाँ पर, ये यहाँ का टॉपिक है प्रभात भारत है, और एक आ गए हैं प्रभात, दो हैं, तीन थे पहले, एक किसी वजह से बंद हो गया। दुकानों के सामने रेशो, काफ़ी ठीक है बीना का मार्केट, देख सकते हैं दुकानों का रेशो। यहाँ का दूसरा जो है पिक्चर देखने के लिए प्रभात, ये अड्डा पिच मुड़ना है, देख सकते हैं गांधी चौक।